हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे मूलभूत गणितीय अवधारणा में एक नया मैथमेटिक्स, आप समझ गए होंगे, कैलकुलस, कलन। मैं आपको इससे पहले कई बार डिस्कस कर चुका कि फिजिक्स समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स है वो कैलकुलस है। आपने देखा होगा, आपने बहुत से टॉपिक पढ़ा, तो मैक्सिमम जगह में कहीं हम डिफरेंशिएशन करते रहते हैं, कहीं पर इंटीग्रेशन करते रहते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हम 10th क्लास तक इस मैथमेटिक्स का नाम भी नहीं सुने रहते। जो स्टूडेंट 10th क्लास पास होने के बाद 11th क्लास में बायो स्ट्रीम में चले जाते हैं, उनको इस मैथमेटिक्स में बहुत परेशानी होती है, जब तक वो इसका स्पेशल तैयारी ना करें। जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ गणितीय अवधारणा के माध्यम से, तो परेशानी होती है। दूसरा, जो मैथ्स लिए भी हैं उनका मैथमेटिक्स में बाद में पढ़ना होता है, और फिजिक्स में उसका स्टार्टिंग तो पहले चैप्टर से ही हो जाता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपका कैलकुलस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। और आगे यदि आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन का तैयारी करेंगे, नीट IIT की तैयारी करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स उसके बिना बनेगा ही नहीं। इसलिए आपको कैलकुलस को बहुत ध्यान से समझना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरह से मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊँ कि फिजिक्स में कहीं कोई परेशानी ना हो। देखिए, कैलकुलस बहुत ब्रॉड मैथमेटिक्स है, और उतने बड़े मैथमेटिक्स को इतना सीमित करके मुझे पढ़ाना है कि बायो के स्टूडेंट्स के लिए वो कोई बर्डन भी ना हो कि मैं उसको इतना ज़्यादा पढ़ा दिया कि उसको पूरा बर्डन हो गया, डर गया उससे, और यूजलेस भी है, और इतना कम भी ना हो जाए कि कई जगह उससे काम ही नहीं चल रहा है। तो बहुत बैलेंसिंग कंडीशन में मुझे वर्क करना होता है जब मैं ये मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और पूरे मेरे फोकस में बायो के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि यदि मैं मैथ्स के स्टूडेंट को ध्यान में रखूँ तो उनको तो बहुत एडवांस में पढ़ना है आगे मैथ्स में। इसलिए जितनी बातें मैं आपको बताऊँगा, जितने फार्मूले आपको लर्न करने बोलूँगा, आपसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ ही साथ उसको आप तैयार करिए, तो हम 2-3 वीडियो में इसकी पूरी प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं, और उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो आज इंट्रोडक्शन दे दूँ इसका। चैप्टर का नाम है हमारा कैलकुलस, हिंदी में बोलते हैं कलन, कैलकुलस। कैलकुलस मैथमेटिक्स को देने वाले जो मैथमेटिशियन हैं वो हैं न्यूटन। न्यूटन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है। फिजिक्स में तो उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया आपको पता है, मैथमेटिक्स में उनका सबसे बड़ा योगदान कैलकुलस देना है। न्यूटन ने कैलकुलस इसलिए दिया क्योंकि जब वो कोई फिजिक्स के फार्मूला डेरिवेशन करते थे तो एल्जेब्रिक मेथड से, बीजगणितीय विधि से परेशानी होती थी या कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता था, तो उन्होंने उस विधि को एक्चुअल में कॉम्पैक्ट किया, छोटा किया, थोड़ा सिस्टमेटिक किया, और एक न्यू मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कराया, उसको हम बोलते हैं कलन। अब कलन को उन्होंने दो पार्ट दिया, कलन को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट उसका कहलाता है अवकलन। अवकलन इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरा कहलाता है समाकलन। दोनों कलन हैं, एक समाकलन, इंग्लिश बोलते हैं इंटीग्रेशन। आप इंग्लिश नाम को बराबर ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा दोनों लैंग्वेज में आपको बताता हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। अवकलन और समाकलन, ये दो पार्ट दिया। अब यहाँ पर हम ये समझें कि वास्तव में अवकलन क्या है और समाकलन क्या है। तो यदि हम अवकलन का की तुलना बीजगणित से करें, तो वास्तव में अवकलन का जो मतलब है उसका मतलब है घटाना। जैसे हम बीजगणित में घटाते हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अवकलन में हम चीज़ों को घटाते हैं, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना, जोड़ने की घटना को हम समाकलन कहते हैं। किसी भी चीज़ को जब, जैसे फिजिक्स पर पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, IC, मतलब बहुत सारे सर्किट को जोड़ना, तो इसका शाब्दिक अर्थ ही यही है। डिफ्रेंशिएट करना माने बांटना, तोड़ना, घटाना, और समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, क्लियर। इसको मैं इस तरह से एक अच्छे एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ कि सपोज मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, तो मुझे एक बिल्डिंग बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ब्रिक्स लाऊँगा, ईंट लाऊँगा, और मेरा
उन ईंटों को लेके सब हमारा राजमिस्त्री एक एक जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बना दिया। तो वो हुआ इंटीग्रेशन, मतलब पूरे ब्रिक्स मिल के एक बिल्डिंग बना दिए, एक मकान का निर्माण कर दिए, वो इंटीग्रेशन हुआ। लेकिन सपोज हमने उस मकान को तोड़ा तो फिर ब्रिक्स अलग होंगे, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे इस बात से, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है उसको तोड़ना, टुकड़ा टुकड़ा करना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के बड़ा करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार मैथमेटिक्स में ऐसे टर्म यूज़ किए जाते हैं जिनका हमको प्रॉपर साइंस नहीं पता। साइंस या मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा वजह मैं जहाँ तक समझा वो यही है कि दिमाग में ऐसे शब्दों को स्टोर कर लेना जिसका हमको सेंस नहीं पता, जिनका मीनिंग नहीं पता। भाई एक्चुअल में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर भी रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि इंटीग्रेशन में होता क्या है। तो फिजिक्स में हम कहीं पर जीरो से अनंत समाकलन करते हैं, तो स्टूडेंट को भी तो पता रहना चाहिए कि चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ है कि बेसिक स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि चीज़ें आपको इतनी गहराई तक पता हो कि बिल्कुल दिमाग में वो बैठ जाए कि हाँ मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मतलब जोड़ रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मतलब उसको घटा रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए इसका संकेत, जब हम अवकलन करते हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई क्या होगा, संकेत होगा। जैसे आपको चीज़ों को जोड़ना घटाना होता है तो संकेत बनाया गया कि नहीं, भाई घटाना था तो माइनस बनाया गया, तब तो आप जाने कि घट रहा है। तो उसी तरह से इसका कुछ संकेत बनाया गया होगा। इसका संकेत है डी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है, और जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे ये वाई, और इसको हम पढ़ेंगे डी वाई बाई डी एक्स, सामान्य रूप से पढ़ेंगे डी वाई बटे डी एक्स, लेकिन वास्तव में उसका भाग नहीं हो रहा है यहाँ पर वाई का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक एक मीनिंग को आप समझते जाना, पहले वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, यहां पर आप देखो किसका अवकलन हो रहा है, किसका बोलने से वाई का, किसके सापेक्ष हो रहा है तो एक्स के सापेक्ष हो रहा है। और यहां पर यह जानना जरूरी है कि यहां पर कंबाइंड रूप से दोनों के लिए आप यह समझो कि हियर वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब यह है कि वाई जो है एक्स का एक फलन है, वाई एक्स का एक फलन है। कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी वाई का मान रखा जाएगा वह एक्स के फॉर्म में रखा जाएगा, तभी उसका अवकलन होगा। ये संकेत किस प्रकार से, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 10 में 3 को घटाना है तो 10-3 आप लिखोगे आंसर आएगा 7। तो ये माइनस हुआ इसका संकेत, जैसे डी बाई डी एक्स है। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक 7 है एक 3 है। मैं बोलूँगा 10 में घटा दो तो क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि आप पूछोगे सर कितना घटा दें। यदि मैं सिर्फ 10 में घटा दे बोलूं तो कुछ उसका सेंस ही नहीं है, मेरे को बताना पड़ेगा कि 10 में किसको घटा दें। मैं बोलूंगा 10 में 3 को घटा दो तो आप बोलोगे कि सर 7 आंसर आएगा। वैसे ही मैं बोलूं y को डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। y डिफरेंशिएट होगा किसके साथ होगा, जैसे 10 में घटेगा कौन घटेगा, उसी तरह से यहां पर टू वेरिएबल्स होते हैं कि डिफरेंशिएट होगा वाई। आप एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज फिर जब इतना डिफिकल्ट मैथमेटिक्स का बेसिक सेंस ही ना क्लियर हो तो आगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो डिफरेंशिएट हो रहा है वाई, इसका मतलब यह है कि जो ऊपर में लिखा जाता है उसका डिफरेंशिएशन होता है और जो नीचे में वेरिएबल लिखा जाता है उसके सापेक्ष होता है, ये इसका मतलब है। क्लियर? अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 10-3=7, तो 10-3=, आपने 7 बोल दिया, लेकिन मान लो मैं इसको ऐसा लिख देता 10 kg - 3 sec, तो आप आंसर क्या दोगे, तब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है, बेवकूफ़ीपूर्ण क्वेश्चन है, किलोग्राम में सेकंड भाई कैसे घटेगा, ठीक है कि घटा दोगे 7 बोल दोगे, नहीं ये गलत है। उसी प्रकार की बात यहाँ पर भी है, वाई अलग दिख रहा है और आपको एक्स अलग दिख रहा है, तो वो किलोग्राम और सेकंड जैसी बात हो गई, दो अलग वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर वो अलग वेरिएबल नहीं है। आगे हम इसको बता रहे हैं
कि हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x। आगे हम क्या कह रहे हैं मालूम, इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ जो y लिखा गया है वो y नहीं है, वहाँ y नहीं रहेगा, y के जगह में जो आएगा वो x का एक फलन होगा। मतलब यहाँ पर x स्क्वायर हो सकता है, साइन x हो सकता है, लॉग x हो सकता है, e टू दी पावर x हो सकता है, माने y का जो भी मान यहाँ पर आएगा वह किसके पदों में आएगा, x के पदों में आएगा। ये हुआ डिफरेंशिएशन का मीनिंग। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सम, sum, सम, सम माने जोड़ना। तो ये s का जो इसका मतलब होता है देखो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में लिखा गया d बाई डी एक्स, डी मतलब डिफरेंशिएशन। संकेतों को भी प्रॉपर उसी के हिसाब से बनाया गया है, डिफरेंशिएशन इसीलिए d बाई डी एक्स। यहाँ पर u बाई वी भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन d क्यों लिखा गया, d बाई डी मीन्स डिफरेंशिएशन। तो समाकलन को हम इंग्लिश में सम कहते हैं, तो ये उसका संकेत बनाया ऐसा s की तरह, स्टैंडर्ड फॉर्म में s को ऐसा लंबा कर दिया, इसीलिए उसका संकेत s बनाया गया। सबका अपना एक मतलब है, और यहाँ पर जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वो y है, ऐसा लिखेंगे, और y dx, ये इसको हम जनरली i से प्रदर्शित करते हैं, i फॉर इंटीग्रेशन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y dx, माने y का x के सापेक्ष समाकलन। ये मैंने इसका बताया आपको संकेत कि क्या होता है, अवकलन का मतलब क्या होता है और समाकलन का मतलब क्या होता है, क्लियर। ये तो हुआ इसका सामान्य मीनिंग। अब कैलकुलस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है फार्मूला। कैलकुलस वैसे तो पूरा मैथमेटिक्स ही फार्मूला पर बेस्ड है, आपको पता है कि मैथ्स में अच्छा कमांड करने का पहला स्टेप है आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कैलकुलस तो पूरा फार्मूला पर बेस्ड मैथमेटिक्स है। कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री ये दो ऐसे मैथमेटिक्स हैं जिसमें 10 लाइन का यदि मेरे को मैथ्स को सॉल्व करना है तो 10 से ज़्यादा उसमें फार्मूला लग जाता है, यानी हर लाइन में नया फार्मूला। तो हर मैथमेटिक्स का अपना एक बिहेवियर है, हर मैथमेटिक्स का अपना एक नेचर है। तो कैलकुलस कम्प्लीटली फार्मूला पर बेस्ड मैथमेटिक्स है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कितने फार्मूला रटें इसमें। भाई कैलकुलस में तो हजारों फार्मूले हैं, केवल 12th क्लास 11th क्लास के मैथ्स के कैलकुलस को कंप्लीट पढ़ने के लिए मैंने काउंट किया है कि नियर अबाउट 400 के आसपास फार्मूला हमको, संख्या सुन के आप चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकने के नहीं, जो मैथ्स वाले भी हैं सुन के परेशान मत हो जाना, उसको हम एक दिन में याद नहीं करते, उसको हम एक एक करके याद करते जाते हैं, धीरे धीरे इतना याद हो जाता है हमको पता ही चलता, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर स्टेप में फार्मूला लगा रहे हैं, धीरे धीरे लर्न हो जाते हो। तो क्या फिजिक्स में भी हमको इतने फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे? नहीं, फिजिक्स में हमको उतने फार्मूले नहीं लर्न करने पड़ेंगे। फिजिक्स में कुछ लिमिटेड फार्मूला ही यूज़ होते हैं, जिसका मैं अभी आपको कलेक्शन दूंगा। और मेरा चैलेंज है कि आपने उतना फार्मूला लर्न कर लिया यदि अच्छे से, और जितना प्रोसेस मैं आपको बता दिया उतना यदि आप कमांड कर लिए, तो आपको 11th 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं कैलकुलस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, यह मेरी आपको गारंटी है। इसलिए इतना आपको ध्यान से करना है। तो पहले मैं आपको 15 फार्मूला का कलेक्शन दूंगा, कुछ फार्मूले मैं खुद यहाँ पर बोर्ड में लिख के उसको आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और बाकी फार्मूले का मैं अपने बोर्ड में भी एक फार्मूला का कलेक्शन एक चार्ट दे दूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लोगे और उसको याद कर लोगे, फिर उसके बाद में उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपन फार्मूले पर बात करते हैं, ये क्लियर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब मैं अभी फार्मूला को तुलनात्मक दे रहा हूँ, कंपेरेटिवली आपको दे रहा हूँ, एक तरफ डिफरेंशिएशन का, एक तरफ इंटीग्रेशन का फार्मूला, ताकि आप उसको तुलनात्मक रूप से याद कर सको। फिर हम डिफरेंशिएशन की पढ़ाई पहले करेंगे और बाद में इंटीग्रेशन की पढ़ाई करेंगे, लेकिन फार्मूला को हम कंबाइंड प्रिपेयर करेंगे ताकि हमको दोनों एक साथ याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ फार्मूला आपसे लिखता हूँ, और उस फार्मूला के छोटे छोटे एप्लीकेशन भी बताते जाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम फार्मूला को यूज़ कैसे करेंगे। केवल फार्मूला रटने से काम नहीं चलेगा ना, फिर फार्मूला को आपको पता भी होना चाहिए कि भाई इसमें कहीं पर लगाऊंगा कैसे। देखो, तो मैं यहाँ पर चार्ट बना के इधर लिखा अवकलन, ये चार्ट अभी दूंगा मैं आपको, अवकलन और समाकलन। अवकलन का जो पहला फार्मूला होता है, अवकलन का जो फर्स्ट फार्मूला होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो है d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, माने x के घात n का अवकलन। देखो यहाँ पर x के रूप में आया y का मान,
तो यहाँ पर इसका फार्मूला है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, और इसी को यदि हम समाकलन में करें तो x टू द पावर n dx इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये फार्मूला होता है। अब देखें हम इसमें एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल तो सपोज यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिया d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर मान लो 7 लिया, x की घात 7, ऐसे आपको अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर आप तुलना करोगे सूत्र के साथ में, तो जब आप फार्मूला का इसके साथ में तुलना करोगे तो यहाँ पर देखो ये n है और यहाँ पर 7 है, तो दोनों का आप कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि n का मान यहाँ पर क्या है, 7 है। तो फार्मूला में भी जहाँ जहाँ पर n आया है वहाँ वहाँ पर 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स टू द पावर 6, ये इसका आंसर हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है घटाना, देखो घट रहा है। अवकलन के पहले x का घात 7 था, एक बार अवकलन हुआ तो 6 हो गया, एक बार और होगा तो 5 हो जाएगा, एक बार और होगा तो 4 हो जाएगा, ऐसे होते होते हो धीरे धीरे 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएट जितने बार करोगे उतने बार x का मान क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन अवकलन का मतलब होता है घटाना। अब यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर भी ले लूँ कि सपोज़ हमको x के घात 7 का समाकलन करना है, तो यहाँ पर आप देखो n का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर हम मान को भर देंगे, ये हो जाएगा x का घात 7 धन 1 बटे 7 धन 1 बराबर x टू द पावर 8 अपॉन 8, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ना पड़ता है। आगे जब मैं समाकलन डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको तो आपको बताऊँगा कि उसको क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये प्लस सी हुए, तो देखो यहाँ पर x का घात 8 हो गया। अभी मैं आपको बताया था कि समाकलन में बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है, देखो पहले 7 था अब क्या हो गया, 8 हो गया। अब एक महत्वपूर्ण कांसेप्ट यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि समाकलन जो होता है या अवकलन जो होता है वह समाकलन का विपरीत प्रोसेस होता है, जस्ट अपोजिट होता है। किस प्रकार से, यहाँ पर देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लिया, ये कांसेप्ट मेरा ध्यान से समझना, मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि अवकलन समाकलन के अपोजिट प्रोसेस है। जैसे उससे पहले एक छोटा एग्जाम्पल बता दूँ आपको एलजेब्रा का, 10 में से 3 घटाया तो 7 आया, क्वेश्चन ध्यान समझना, 10 में कितना घटाया तो 7 आया, 3, 10 में 3 घटाया तो 7 आया। अब मैं आपसे पूछूं कि 7 में कितना जोड़ूं तो 10 आएगा, नेचुरली इसमें 3 जोड़ूं तो क्या आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब यह है कि जोड़ना घटाने के विपरीत प्रक्रिया है, जितना किसी चीज़ पर घटाया जाता है उतने ही चीज़ यदि उसके रिजल्ट पर जोड़ दिया जाए तो हमको वही पूर्ववत संख्या प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि घटाना जोड़ने का उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पर हम बार बार बोलते हैं कि अवकलन या समाकलन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, तो भाई समझना भी तो पड़ेगा कैसे अपोजिट है। तो चलो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज हमने कोई क्वेश्चन लिया वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 लिया, ये हमारा क्वेश्चन है, वाई का घात वाई बराबर एक्स का घात 5, ये प्रश्न है। अब इसी का मैं यहाँ पर किया अवकलन, इस साइड में अवकलन कर रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू, यहाँ से आप समझ गए होंगे, 5 इंटू हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, ये हो गया क्लियर। अब मैं इसी का क्या कर दूँ समाकलन, ध्यान देना यहाँ पर मेरी बातों को, थोड़ा बहुत क्लियर सुनना, एक्स के घात 5 का अवकलन किया तो ये आया, अब इसका समाकलन करने से ये आना चाहिए, तभी तो उल्टा प्रक्रिया हुआ उसका, तो जो रिजल्ट आया है चलो उसका समाकलन करते हैं। तो हम समाकलन कर देते हैं अब 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, ये हमने इसका समाकलन कर दिया। समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 जो है 5 जो है कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको समाकलन से बाहर कर देंगे, तो 5 को मैंने बाहर कर दिया, और x के घात 4 का समाकलन क्या होगा, x के घात 4 माने 4 धन 1 क्या हो गया 5, और बटे 4 धन 1 मतलब 5, और यहाँ देखो दोनों 5 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 5 आ गया, और यही क्या था हमारा क्वेश्चन था। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि अवकलन समाकलन के अपोजिट प्रोसेस है। कहने का मतलब ये
मैं सिंगल सेंटेंस में बोलूं तो इसका मतलब यह है कि जिस फंक्शन का अवकलन किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का यदि समाकलन कर दिया जाए तो मूल फंक्शन जिसका अवकलन हुआ था वो हमको प्राप्त हो जाता है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। और ये मैंने पहले फार्मूला पर आपको डिस्कस किया जो इसका पहला फार्मूला है और जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है। देखिए, पहले मैं आपको तुलनात्मक फार्मूला दे रहा हूँ और इस फार्मूला के चार्ट के बाद मैं कुछ क्वेश्चन के और प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दे रहा हूँ ये फार्मूला का चार्ट। 15 फार्मूला है, उसमें कुछ का और ज़रूरत पड़ेगा जिसको मैं समझाते आपको बताऊंगा। तो ये मैं अपने बोर्ड पर उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ कुछ देर के लिए और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास उसको सुरक्षित रख लोगे। जब भी आपको रिविजन करना होगा आप गणितीय अवधारणा का एक बढ़िया नोट्स बना लो, क्योंकि मैंने गणितीय अवधारणा का PDF नहीं दिया है और ज़रूरत भी नहीं है, मैथमेटिक्स है। आप मेरे वीडियो को बार बार देखो, सभी वॉल्यूम को जो मैं बीजगणित पढ़ाया, द्विपद प्रमेय पढ़ाया, सदिश बीजगणित पढ़ाया, उसको बार बार देखो, क्योंकि गणितीय अवधारणा गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जैसी बात है। मैं आपको समझाया था कि हमारे व्हीकल में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो तुरंत हम पेट्रोल टंकी में जाते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, करते हैं ना ऐसा। वैसे जब भी आपको लगे कि मेरा गणितीय अवधारणा कमज़ोर हो गया, मैं भूल रहा हूँ, मैं अवकलन भूल गया, मैं समाकलन भूल गया, तो आप इमीडिएट उसका रिवीजन करिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको लगातार पड़ेगी। क्लियर? तो ये देखिए, ये फार्मूला का लिस्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्लियर कर लिया। फिर अब ये जो 15 फार्मूला का आपको चार्ट मिला, इसको आप धीरे 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 एक एक करके रटिए अवकलन। जैसे साइन एक्स का अवकलन आप चार्ट में देखेंगे कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स है, जस्ट उल्टा उल्टा है, आपको याद हो जाएगा। इस फार्मूला में आपको कुछ नहीं करना है, इस पर मेरे को कुछ मत पूछना कि सर इसका क्या करें, ये रटना है। मैथमेटिक्स में फार्मूला एक ऐसा चीज़ है जिसको याद करना ही पड़ता है, वही एक चीज़ याद करने का है बस, वो भी समझ के। वो मैं समझा दिया आपको कि समझना कैसे है उसको, कि e के घात x का अवकलन आप देखोगे चार्ट में, e^x है तो उसका समाकलन भी e का घात x होगा। यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो आपको नया लगेगा, खासकर जो अभी 10वीं से 11वीं क्लास में आए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं 11वीं 12वीं वालों के लिए पैरेलल इंपॉर्टेंट है ना, जिसको फिजिक्स पढ़ना है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स का फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होता है। फिजिक्स पढ़ना है तो न्यू डालना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के मजबूत न्यू पर ही फिजिक्स की बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है। इसीलिए अभी आपको क्या बताया, न्यूटन ने दिया, आप न्यूटन को एक फिजिसिस्ट के रूप में, एक भौतिक विज्ञानी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन मैं क्या बताया, मैथमेटिशियन। तो फिजिक्स का हर बड़ा बिल्डिंग मैथमेटिक्स के फाउंडेशन पर खड़ा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं खुद अपने ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करके देखा हूँ, मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आपको मालूम है। यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, नेचुरली आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए आपको उसको ध्यान से समझना है। चलिए, अब हम इसके कुछ छोटे छोटे और फार्मूले पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ अवकलन। अभी मैंने आपको दोनों का तुलनात्मक रूप से पढ़ाया और दोनों का तुलनात्मक आपको फार्मूला दिया, लेकिन अब दोनों की पढ़ाई हम बारी बारी से करेंगे, पहले अवकलन और बाद में फिर समाकलन। तो कुछ फार्मूले मैं आपको और दे रहा हूँ इसका प्रोसेस समझाने के लिए, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले योग या अंतर, योग या अंतर, अवकलन में योग या अंतर में किस तरह से हम अवकलन करते हैं ये हमको समझना है। तो ये मैं फार्मूला आपको लिखाया, d/dx ऑफ u प्लस माइनस v, प्लस माइनस v का मतलब योग भी हो सकता है या अंतर भी हो सकता है। यहाँ पर u और v दो अलग अलग फंक्शन हैं और दोनों जुड़ रहे हैं और ब्रैकेट लगा है, मतलब दोनों का एक साथ कंबाइन अवकलन होना है। तो इसका फार्मूला होता है सीधा सीधा, दोनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा, मतलब d/dx ऑफ u प्लस माइनस d/dx ऑफ v, ये हो जाएगा इसका फार्मूला योग या अंतर का। अब यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये तो फार्मूला हुआ, अब हम देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल
कि सपोज मेरे को अवकलन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर फोर, मान ला इसका मेरे को अवकलन करना है। तो यहाँ पर u के जगह में कौन आया है, साइन एक्स, और v के जगह में आया है एक्स टू दी पावर फोर। तो इस सूत्र से इसको मैं ओपन कर दूँ तो सीधी सी बात है दोनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर फोर दैट इक्वल साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो फार्मूला के चार्ट से आया। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि पहला काम है वो मेरा 15 फार्मूला का चार्ट को रटना, पहला काम। उतने से आपका सब काम चल जाएगा और जो और जरूरत है मैं आगे दूंगा, पहले उसकी आवश्यकता है। और x टू दी पावर फोर का कितना हो जाएगा, 4 इंटू अभी समझाया हूँ 4 इंटू x टू दी पावर 4 माइनस 1। ये किस फार्मूला से है, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 से। आगे हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा cos x प्लस 4 इंटू x टू दी पावर 3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। इस तरीके से देखो ये सिंपल सा योग या अंतर का अवकलन ऐसे हो जाता है। अब हम सेकंड देखें, सेकंड हम देखेंगे गुणा का, मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो या गुणा हो रहा हो दो फंक्शन का तो किस प्रकार से उसका डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर देखो इसका फार्मूला है ये d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, माने u और v दो फलन हैं और ये दोनों फलनों के गुणन का अवकलन हो रहा है। क्लियर। जिसमें हम u को कह सकते हैं मान लो पहला फलन और v को कह सकते हैं सेकंड फलन, ऐसा u भी v कह सकते हो, पहला दूसरा भी कह सकते हो। तो इसका फार्मूला होता है u माने पहले फलन को लिख लोगे और गुणा होगा डी वी बटे डी एक्स माने दूसरे फलन का अवकलन होगा प्लस फिर दूसरा फलन लिखा जाएगा और ये हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स। ये इसका फार्मूला है। क्लियर। अब इस फार्मूला को आपको लर्न करना है, सीखना है और इसके बाद फिर हमको इसको एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए डी बाई डी एक्स आप सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ये मैं लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो पहले नंबर में लिखा है ई का घात एक्स ये u का मान है और दूसरे नंबर में लिखा है वो v। e के घात x, x को चर घातांक की श्रेणी कहते हैं। इसको आगे आप मैथ्स में पढ़ोगे और बायो वाले जो स्टूडेंट है वो न भी जाने तो चलेगा, सिर्फ ये जानो e फार होता है एक्सपोनेंशियल और हिंदी बोलते हैं चर घातांक की श्रेणी। ये फंक्शन है, एक श्रेणी है और इसको e के घात और लाग तो आपको पता है, ठीक है, लाग लॉगरिथमिक सीरीज है। अब इसको हम फार्मूला में अप्लाई कर दें, यहाँ पर फंक्शन पर परेशान मत होना, कौन क्या है आपको सीधा उसको याद रखना है फार्मूला को। इस फार्मूला में हम इसको अप्लाई कर दें तो u का मान कितना है e का घात x इंटू फिर होता है क्या d बाई डी एक्स आप v। फार्मूला को देखो तो v क्या है log x, ये ब्रैकेट में उसका मान भर दिया ये log x प्लस v, प्लस v माने v क्या है log x इंटू डी बाई डी एक्स आप e टू दी पावर x, इस तरह से हो जाएगा। दैट इक्वल आगे हम इसको सॉल्व करें तो e टू दी पावर x लॉग एक्स का अवकलन होता है एक बटे एक्स, ये भी आपको सूत्र के चार्ट में मिलेगा, सब सूत्र के चार्ट से मिलेगा, उसके बिना कुछ काम नहीं होने वाला है। क्लियर। ये हो जाएगा और प्लस अभी मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, सूत्र आपको याद करना है e के घात x का अवकलन हो क्या होगा e टू दी पावर x ही होता है। दैट इक्वल और इसको सरल करना चाहें तो दोनों में से e का घात x कॉमन है तो यहाँ से बच जाएगा 1/x और यहाँ से बचेगा लॉग x, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखो बहुत आसान है ये योग का, इस तरह से होता है। एक एक क्वेश्चन भी आप देखोगे जो मैं बता रहा हूँ उसका एक एक क्वेश्चन भी आप देखोगे आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड है इसका भाग का, ठीक है, मैंने योग अंतर बताया, तीसरा है इसका भाग डिविजन। यदि भाग के रूप में हो तो हम किस प्रकार से इसको बनाते हैं, तो भाग का फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। यह है d बाई डी एक्स ऑफ u अपान v, यहाँ पर u और v का क्या हो रहा है भाग हो रहा है। तो इसका फार्मूला होता है हर माने v और अंश का अवकलन माने डी यू बटे डी एक्स माइनस हर और अंश और हर का अवकलन, ये क्लियर। v डी यू बाई डी ये सब सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, वो जो फार्मूला बताया 15 उसके बाद फिर ये फार्मूला,
ये हो जाएगा अपॉन वी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूला के बेस पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिया डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज यहाँ पर ले लिया मैं लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये ले लिया मान लो लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखो इस फार्मूला को हम लगाएं, ऊपर जो लिखा है उस फार्मूला को लगाएं, तो ये जो लॉग एक्स है ये लॉग एक्स क्या है, क्वेश्चन फार्मूला के अनुसार यू है और एक्स क्या है वी है, आंसर भर है तो वहाँ पर मान को भरते जाओ। तो क्या होता है वी, वी क्या है अपने पास एक्स, ये हो गया एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू, तो यू क्या है अपने पास लॉग एक्स है, और माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी, वी क्या है अपने पास एक्स है, ये हो गया। और अपान, अपान में होता है हर का वर्ग, तो हर क्या है एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब हम एक बार फार्मूला में, पहले स्टेप में फार्मूला में मान भर दिया और दूसरे स्टेप में क्या किया, किसका किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x माइनस लॉग x और डी एक्स बटे डी एक्स, एक्स का x के सापेक्ष जो अवकलन है वो वन होता है, क्लियर, ये ध्यान रखना डी एक्स बटे डी एक्स कितना होता है एक होता है। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर दैट इक्वल, आगे हल करें तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस यहाँ से बचेगा क्या लॉग एक्स, और वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है भाग का फार्मूला, तो योग या अंतर का फार्मूला, फिर गुणा का फार्मूला, फिर भाग का फार्मूला, इस तरीके से आप देखो हम इसको समझ सकते हैं। तो ये है योग या अंतर गुणा भाग का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। एक क्वेश्चन ही सफिशियंट है, अभी मैं आपको इसका प्रोसेस समझा रहा हूँ, ये आपको फार्मूला और उसको कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि यदि ये सब फार्मूला याद ना हो कि लॉग एक्स का अवकलन एक बटे एक्स होता है, कि ई के घात एक्स का अवकलन ई का घात एक्स होता है, यदि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, जो चार्ट में मैंने आपको दिया है, ये सब फार्मूला यदि आपको याद ना हो तो ये सब जानने का कोई मतलब ही नहीं है, ये यूजलेस है समझ लीजिए। तो आपको इसको ढंग से समझना है, आप इस एक एक एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको मेरा सजेशन है इसका फेयर नोट्स जरूर बनाइए, मेरे इसी कलेक्शन का नोट्स बनाइए, और आपके पास जो भी बुक होगा वहाँ से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। चलिए अब मैं आपको इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएशन का, लास्ट मीन्स आपके लिए ना फिजिक्स के हिसाब से, मैं पहले डिस्कस कर चुका इस मैटर पर कि मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स को ध्यान में रख के, ना कि मैथमेटिक्स का कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का कैलकुलस का तो इतना बड़ा सिलेबस है कि 12th मैथ्स में 50% सिलेबस ओनली कैलकुलस है, तो यहाँ पर हम फिजिक्स में उसको उतने ही पढ़ते हैं जितना हमारा फिजिक्स में काम आएगा, उतने ही पढ़ते हैं। अब है फलनों के फलन का, फलनों के फलन, फलनों के फलन का अवकलन, फलनों के फलन का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये क्या होता है देखो, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज y, हम फंक्शन को y लिखते हैं, y इक्वल टू मान लो हमने लिखा है log sin x, ये हमने लिखा है y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे हुआ, और भी हो सकते हैं कैसे हुआ, यहाँ दो फंक्शन हैं, लॉग अपने आप में खुद एक फंक्शन है और उसके अंदर एक साइन फंक्शन है, लाइन लॉग खुद एक फलन है, लॉग फलन लॉगरिथमिक फंक्शन है, और साइन क्या है त्रिकोणमिति फलन है। तो ये ऐसे प्रश्नों का डिफ्रेंशिएशन हम आपको सिखा रहे हैं जिसमें दो या दो से अधिक फलन एक साथ कंबाइंड फॉर्म में होंगे, क्लियर। अब इसको जो बनाने का जो मेथड है, इसको जो बनाने का मेथड है वो दो मेथड है, पहला मेथड, पहला जो मेथड है वो कहलाता है प्रतिस्थापन। यहाँ पर मैं प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके, ये बुक में आपको ज़्यादातर यही मिलेगा, तो पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स, अब अवकलन करने पर
अब हमने किया अवकलन, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हो जाएगा dy by dx इक्वल dy dx ऑफ log sin x, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, क्लियर। अब यहाँ पर हमारा समस्या क्या आया कि हम तो भाई लाग का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, लाग साइन एक्स का तो नहीं जानते, तो यहाँ पर परेशानी क्रिएट कौन कर रहा है, साइन एक्स, ये हमको परेशान कर रहा है। यदि लाग एक्स होता तो उसका सीधा सूत्र हम जानते हैं, वन अपान एक्स लिख देते, लेते भाई ये तो लाग साइन एक्स है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, प्रतिस्थापन मतलब उसके जगह में दूसरे जगह दूसरे को स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्या कि माना कि साइन एक्स को हमने मान लिया यू, या टी वी डब्ल्यू कुछ ही मान सकते हैं, तो साइन एक्स को मान लो यू मान लिया मैं, अब इसको मान लिया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स लाग, अब साइन एक्स को यू लिख दूं, साइन एक्स को पूरा तो क्या हो जाएगा लाग यू। अब यह हमारा सूत्र वाले फंक्शन के फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ एक नया समस्या पैदा हो गया, क्या अभी मैंने आपको बताया था कि किलोग्राम में सेकंड एड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, जुड़ घट नहीं सकता, वैसी समस्या यहाँ आ गया, ये u है और ये x है, तो या तो दोनों को x होना चाहिए अवकलन होने के लिए, या तो दोनों को u होना चाहिए, क्योंकि एक चर एक जैसे चर का ही अवकलन या समकलन होगा, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, तो यहाँ संभव नहीं है, तो इसको आगे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और इसको मैं क्या कर दिया डी बाई डी यू कर दिया, और ये लाग यू मतलब डी यू का भाग दे दिया। अब जब वहाँ पर मैं ज़बरदस्ती डी यू का भाग दे दूंगा तो एडजस्टमेंट करने के लिए उसको गुणा भी करना पड़ेगा, जैसे आपको बीजगणित में कहीं तीन का गुणा करते हो तो तीन का भाग भी करते हो, तब तो होता है, तो डी यू का भाग किया तो इसके लिए मैं डी यू का गुणा कर दिया, ये डी यू हो गया, और ये डी एक्स जो ऑलरेडी यहाँ पर है डी एक्स, इसको मैं नीचे लिख दिया, ये डी एक्स हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर काम हमारा कैसे आसान हो गया कि अब इसका अवकलन हो सकता है, क्योंकि यह भी u है यह भी u है, तो इसका अवकलन हो जाएगा, जो मैंने रेडिंग से राउंड किया है उसका अवकलन हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा देखो, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लाग यू का अवकलन हो जाएगा वन अपान यू, सूत्र से लाग x का अवकलन वन अपान x होता है, तो लाग u का अवकलन वन अपान u होगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d by dx ऑफ u, तो u के मान को आप भर दो जो माने हो, u हम किसको माने हैं sin x को माने हैं, तो यहाँ पर हम इसको भर दिए क्या sin x, दैट इम्प्लाइज dy by dx इक्वल टू वन अपान u का मान यहाँ पर फिर भर दो, u का मान क्या है हमने sin x माना है ये, तो ये मैंने लिख दिया sin x और इनटू, अब sin x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा क्योंकि दोनों x हैं, तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x, ये हो गया cos x, दैट इक्वल cos x बटे sin x क्या हो जाएगा cot x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है प्रतिस्थापन के द्वारा फलनों के फलन का अवकलन, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो ये जो मेथड है ये बहुत लेंदी है, मुझे ये मेथड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये प्रॉपर मेथड है, बुक में ज़्यादातर राइटर यही मेथड से लिखे रहते हैं। अब मैं आपको एक सेकंड मेथड बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, और मेरा आपको सजेशन है कि यही मेरे सेकंड मेथड को आप ज़्यादा तैयार करो, आपको ये अच्छा लगेगा, देखिए अभी आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, ये मेथड नंबर टू। तो मेथड नंबर टू में देखो ये हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू लाग साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ कोई प्रतिस्थापन मत करो, सीधा उसका अवकलन करो, क्लियर। तो देयर फॉर अवकलन करेंगे भी तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा लाग साइन एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लाग साइन एक्स, सीधा उसका डिफ्रेंशिएट कर दो। अब करना क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पर यहाँ जो बताने वाला हूँ उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, ये लाग साइन एक्स है लेकिन इसको आप साइन एक्स के रूप में मत देखो, इसको आप देखो एक्स के रूप में, अभी आपके दिमाग में साइन एक्स हटा दो और आप सोचो कि ये लाग साइन एक्स नहीं है,
ये लॉग एक्स है, ऐसा सोचो आप कुछ देर के लिए, फिर मैं बताऊंगा उसको कैसे करते हैं। ये सेकंड नंबर का मेथड को हम बोलते हैं चैन रूल, ये ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं चैन रूल। चैन मतलब क्या होता है, कड़ी, एक एक कड़ी अपन खोलते जाते हैं उसी को चैन बोलते हैं। तो लॉग साइन एक्स को मैंने क्या सपोज कर दिया, लॉग एक्स। अब जब वो लॉग एक्स है तो अवकलन तो हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स का अवकलन अपने को पता है, क्लियर, वन अपॉन एक्स। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर हमने लॉग यू को वन अपॉन यू लिखा था, तो वैसे यहाँ पर हम लॉग साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन यू, तो वन अपॉन साइन एक्स। तो ये हम वन अपॉन एक्स सोचेंगे लेकिन लिखेंगे वही जो है, थोड़ा मेरी बात, मेरी लैंग्वेज को ध्यान देना, हम इसको एक्स माने हैं तो लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वो जो वास्तव में है, ये एक्स थोड़ी है तो साइन एक्स है। तो लॉग साइन एक्स का अवकलन वन अपॉन साइन एक्स। और चैन रूल क्या कहता है कि यदि आपने किसी फंक्शन को जो कि एक्स नहीं था, साइन एक्स था, उसको आप एक्स के फॉर्म में अवकलन कर दिए, तो बोलता है कि फिर मेरा दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। भाई तुमने मुझे एक्स मान के कर दिया लेकिन मेरा अवकलन तो नहीं हुआ है, इसलिए मेरा दोबारा अवकलन होगा। तो यही चैन है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या बोला एक बार मैं रिपीट करता हूँ सुनना, क्योंकि यहीं पर बहुत लोग दिक्कत महसूस करते हैं, मुझे मालूम है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स को आप समझो कि लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स, लिखो वही जो है। अब बाद में इसको दोबारा आप अवकलन कर दो, ये साइन एक्स हो गया, क्लियर, दैट इक्वल, अब ये हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, ये हो गया इसका आंसर इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखो कि दो लाइन में बन गया, ये तो क्वेश्चन है एक दो, तीसरे लाइन में आंसर, और ये कितना लेंदी था। तो ये दोनों मेथड को क्या है, एक बार में आपको डिफिकल्ट लगा होगा, थोड़ा पहले पहले आप कैलकुलस समझ रहे हो और इतनी सारी बातें एक साथ बता दूंगा, तो आप क्या करो, इसको दिमाग में एक बार बिठाओ ध्यान से। आज मैं अपने क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ इसमें, इसको आप अपने दिमाग में बहुत ध्यान से बिठाओ, और इसका सेकंड पार्ट जब मैं लेके आऊँगा कैलकुलस का, तो इसके क्वेश्चन पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, क्योंकि एक ही दिन बहुत सारा करा दूँ तो आप बिल्कुल, मेरे को पता है आप उलझ जाओगे। तो आपको मैं एक वर्क दिया, सेकंड वीडियो जो इसका आएगा सेकंड पार्ट, वो भी अवकलन पर होगा, वो ओनली क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस। लेकिन आपका कौन सा कोऑपरेशन चाहिए मेरे को, उस दिन आपको एक एक फार्मूला रटा हुआ होना चाहिए, और ये जो मैं एक एक क्वेश्चन बताया, जोड़ने घटाने पर, गुणा पर, भाग पर, और फलनों के फलन पर, इसका प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। सुन लो मैं क्या बोला ध्यान से, यदि आपको पूरा फार्मूला लर्न हो गया 15, और ये जो चीज़ें मैंने बताई एक एक क्वेश्चन, उसका मेथड क्लियर हो गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें खूब इंजॉय करोगे, अदरवाइज कैलकुलस फिर आपके लिए बर्डन बन के रह जाएगा, क्लियर, ओके, थैंक यू।